हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर के न्यू अपडेट 19.7 के बारे में। हाँ दोस्तों, पोषण ट्रैकर ने हाल ही में अपना वर्जन अपडेट किया है जो 19.7 के नाम से है। और दोस्तों, इस अपडेट में दो मुख्य बिंदु जो अपडेट हुए हैं उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्ले स्टोर पर। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्ले स्टोर, हम इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोषण ट्रैकर लिखा हुआ आ रहा है, और इसके सामने आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपडेट। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज़ न्यू। आपको इसके सामने जो एरो है इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है वर्जन 19.7। और जो दोस्तों स्टार्टिंग में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ न्यू पर लिखा है, ये देखें यहाँ पर दो अपडेट आपके दिखा रहा है। इसमें लिखा है THR/HCM फ्रॉम ऑन द होम पेज ऑफ अक्टूबर मंथ, एंट्री इज ओपन फ्रॉम 4th to 7th November। पहला अपडेट दोस्तों ये हो गया। और दूसरा है यहाँ पर बग फिक्सेस। अब दोस्तों इनकी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, उससे पहले हम अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है, अब यहाँ पर इसकी इंस्टॉलिंग चल रही है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मोर वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे दिखा देगा वर्जन 19.7, अर्थात हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है। अब दोस्तों इसमें जो अपडेट हुए हैं, पहला अपडेट है दोस्तों इसमें हॉट कुक और अर्थात HCM और THR को लेके जो डेली ट्रैकिंग में आता है हमारा। अब एक बार हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग को क्लिक करेंगे, जैसे हम डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देख पा रहे होंगे लिखा है THR/HCM। हम दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फ़िलहाल आज 3 तारीख हैं, नवंबर माह की आज 3 तारीख है, फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये नवंबर माह का दिखाएगा। लेकिन अगर आपका अक्टूबर माह का THR छूटा हुआ है या HCM छूटा हुआ है तो उसकी एंट्री आप 4 तारीख से और 7 तारीख के बीच कर सकते हैं। दोस्तों आज ये अपडेट नहीं दिखाई देगा आपको, हमने पोषण ट्रैकर तो अपना अपडेट कर लिया है, लेकिन जो अपडेट है वह आपको 4 से 7 नवंबर के बीच दिखाई देगा। अर्थात जो आपको आपकी फीडिंग छूटी हुई है अक्टूबर माह की THR की और आपके HCM की, वो फीडिंग आप 4 से और 7 नवंबर तक अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा जो अपडेट था दोस्तों वह है बग फिक्सेस, अर्थात जो छोटी छोटी कमियां, हैंग की कमियां या फिर कोई अन्य कमी पोषण ट्रैकर में होती हैं उन सभी के निवारण के लिए दूसरा अपडेट था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि इस अपडेट में जो है वह दिनांक दी गई है 4 से 7 नवंबर। 4 से 7 नवंबर के बीच ही आप अपने छूटे हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।